वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फिर से मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट का रेसिपी, और आज का रेसिपी है चॉकलेट सलामी का। तो चलिए गाइस रेसिपी शुरू करते हैं। चॉकलेट सलामी का रेसिपी शुरू करने से पहले गाइस आपको कहना चाहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐड किया है काजू और अमन, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और आप पिस्ता, मुनक्का, ये सब ऐड कर सकते हो। और देखिए मैं ये बटर के साथ फ्राई कर रही हूँ, तो आप बटर के साथ फ्राई कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी इसे ऐड कर सकते हो, पर ऐसे करोगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। और देखिए बिस्किट्स में मैंने क्या लिया है, तो ये बटर बिस्कुट ही है जिसे मैं हाथों से तोड़ रही हूँ, तो आप पीट पीट कर इसका कुचुंबर बना सकते हो। पर बिस्किट्स को आप फाइन ग्राइंड कर लोगे तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, तो इतना तक ही काफ़ी है। और आप स्नैक्स बिस्किट्स के अलावा कोई भी बिस्किट्स ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी चॉकलेट को रेडी कर लेते हैं। तो चॉकलेट हमें काट लेना है, तो मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड दोनों ही लिया है, तो आप कोई भी चॉकलेट से कर सकते हो, और आप कॉन्डेंस मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी बटर के साथ चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। और चॉकलेट मेल्ट करना मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो डबल वाला मेथड से भी आप कर सकते हो, और आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। और देखिए इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, क्योंकि चॉकलेट जब ठंडा हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, तो आप फ्रेश क्रीम ऐड करोगे तो हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। और इसके साथ मैंने 2 पिंच नमक और 2 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड किया है। तो चॉकलेट में आपको कितना मीठा पसंद है आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, तो आप कॉर्नेस मिल्क भी ऐड कर सकते हो। मैंने वाइट कंपाउंड इसमें ऐड किया है, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून शुगर भी इसके साथ ऐड कर दिया, और बिस्किट में वैसे भी मिठास होती है। तो देखिए अभी जो फ्राई करता हुआ ड्राई फ्रूट्स है और बिस्किट्स है वो मैंने ऐड कर दिया चॉकलेट के साथ, अच्छे से मिक्स करके फिर रैपर में हम रैप कर लेंगे। ऐसे ही हमें लंबाई में रैप कर देना है, काटने में आसान रहेगी। और देखिए हाथों से ऐसे ही प्रेस कर करके हमें सेट कर देना है, और फिर फ्रीजर में या फ्रिज में रख देना है। आपके पास टाइम कम हो तो आप फ्रीजर में रख सकते हो, या आप फ्रिज में रख कर भी ये सेट कर सकते हो। तो देखिए ये सेट हो गया है, फ्रीजर में मैंने रखा है और 10 मिनट में ये सेट हो गया है। तो अभी काट कर आपको दिखाऊंगी, और इसके ऊपर आप पाउडर शुगर ऐड कर सकते हो, ऐसे करने से दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ और फिर काट लूँगी। तो गाइस ये जो रेसिपी है ना, बड़े छोटे सभी को पसंद आएगा। चॉकलेट सलामी ऐसा एक रेसिपी है जो आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, और बच्चे बड़े सभी इसे चाय से खाएंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करना, मैं हाथों से तोड़ के आपको दिखाऊंगी। तो गाइस ये रेसिपी आप पार्टी हो या कोई ओकेशन हो आप ट्राई कर सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।